आपको हम दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम के बापू राव की कहानी, जिन्होंने सिर्फ 40 दिन में पानी का कुआं खोदा, जिसने बूंद बूंद पानी के लिए तरसते ग्रामीणों को राहत दी। लेकिन बापू राव ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। नागपुर के वाशिम के शख्स बापू राव ताजड़े के चर्चे इस समय हर तरफ हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 40 दिन के अंदर कुआं खोदा, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे बापू राव के परिवार और पड़ोसियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। दरअसल इस जज्बे के पीछे एक कहानी है। बापू राव का परिवार बेहद प्यासा था, लेकिन जब इनकी पत्नी पास के कुएं से पानी भरने गई, तो उसे पानी भरने नहीं दिया गया। जब एक भी फरियाद नहीं सुनी गई, तब दलित बापू राव ने जातिवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया और महज 40 दिन में इस बेहद मुश्किल काम को पूरा कर लिया। पानी के लिए के हम जा रहे थे, लोगों ने मना कर दिया, इसलिए मेरे बच्चे ने बावड़ी खोलने को तैयार कर लिया। कोई भी आता, कोई भी लेके जाता पानी, हम किसी को मना नहीं करते। ताजड़े वाशिम जिले के कामलेश्वर गांव के एक दिहाड़ी मजदूर हैं। पहले अपने काम पर जाते, 8 घंटे की मेहनत मजदूरी के बाद घर लौटते और फिर डट जाते कुआं खोदने के काम में, और रोजाना 6 घंटे कुआं खोदने में लगाते। बापूराव ताजड़े ने इससे पहले कभी कुआं नहीं खोदा था, और न ही परिवार और पड़ोसियों को बापूराव की इस लगन पर किसी भी तरह का भरोसा था। पर फिर भी बापूराव ने जो सोचा वो कर दिखाया। ओ, नहीं बोले बोले हम अब मर रहे, बोले प्यासे, हमको पानी दो, तुम नहीं बोल रहे, तुम मरो और कुछ भी करो, हमको हम पानी देते नहीं। मैंने चालू किया ईश्वर को प्रार्थना करने के बाद, चालू करने के बाद 1 महीना 10 दिन के बाद मेरे को ऐसा ही पानी लग गया। जिन लोगों को पानी के लिए गांव के दूसरे छोर तक जाना पड़ता था, आज वो लोग इस कुएं से पानी भर पा रहे हैं, और इसके लिए बापू राव की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अब बापू राव खुश हैं कि उनकी मेहनत सफल रही, और वो इसके लिए भगवान का शुक्रिया करते नहीं थकते। जो हंस रहे थे लोग, वो अभी मेरे बॉडी पे आ रहे, शाम तक 4 बजे तक सुबह और 8 बजे तक पानी भरते। इसे पत्नी के लिए लगाव कहें या पानी भरने ना दिए जाने की घटना का नागवार गुजरना, लेकिन जो भी बापूराव ताजड़े ने किया, उसे शायद शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। बस यही कह सकते हैं कि इस हौसले को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।